आ जाओ, वहां क्यों खड़ी हो? आपको कैसे पता चला कि मैं आई हूं? भाई अम्मी का कहना है कि बचपन से आज तक आप मेरी हर छोटी से छोटी तकलीफ पे रोती आई हैं, अभी भी यही हाल है। तो मैं भी आपसे और छोटी से इतनी ही मोहब्बत करता हूं। कैसे होगा ये सब एक महीने में? जैसे अल्लाह की मर्जी वैसे होगा। हमने ये तय किया था कि हम मना कर देंगे, फिर अब अल्लाह पाक ने ऐसे असबाब पैदा कर दिए हैं कि मना करने की नौबत ही नहीं आई। तो मैं भी तो वही जानना चाहती हूँ, आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक महीने में सब कुछ हो जाएगा? तुम आम खाओ यार, पेड़ क्यों गिन रही हो? ऐसे आमों से जहर खाना बेहतर है। आप मुझे सीधी तरह बता रहे हैं या नहीं? अच्छा ओके, भाई एक फर्म है, वहां पे नौकरी मिली, मैंने उनके सामने कुछ शरायत रखी और उन्होंने वो कबूल कर ली। और वो शरायत क्या थी? यही थी कि कुछ फैमिली प्रॉब्लम्स हैं, कुछ फाइनेंशियल इश्यूज हैं, वो एग्री कर गया। इसके बदले आपने कोई नुकसान का सौदा तो नहीं किया? क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से आप पे कोई आंच आए। मैं किसी भी कीमत पे आप पे आंच आने नहीं दूंगी, और अगर किसी ने मेरे भाई के साथ सौदेबाजी की तो मैं उसका खून पी जाऊंगी। अरे 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 गुड़िया, ऐसा खून खार रूप तो कभी ना देखा तुम्हारा। अल्लाह ना करे ऐसा कुछ हो, अगर हुआ तो देख भी लेंगे। ओके, फिलहाल तो तुम हमारी ताबीर नहीं लग रही। मैं नाश्ता बनाने जा रही हूँ, आप आ जाओ। मैं आ रहा हूँ। अभी किसी को बताना मुनासिब नहीं है, मगर वक्त आने पर बताना होगा।